गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ सजेस्टिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज। इससे पहले वीडियो में हम लोग 3 या 4 सेट को कंप्लीट कर लिए हैं और सेट नंबर 5 का 15 क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लेटेस्ट अपडेट के लिए। और ये लास्ट मिनट सजेशन, अगर आप क्रैश कोर्स के तौर पे ख़रीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ दिए गए नंबर व्हाट्सअप जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, फेमस 3 P's ऑफ एनवायरमेंट अवेयरनेस आर। जो एनवायरमेंट अवेयरनेस के हिसाब से जो 3 P है, ये 3 P का मतलब क्या होता है? तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन। ओके, पॉपुलेशन पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन। 17 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड। ओके, जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, कौन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? तो इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। ओके, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। 18 नंबर क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज रिलीज्ड इन। ओके, इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज रिलीज्ड इन। तो इंडिया का सबसे पहला जो नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज पे जो पब्लिश हुआ था, ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 2008 में। विच सिटी इज कॉल्ड द श्रिम कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का किस शहर को श्रिम कैपिटल भी कहा जाता है? तो राइट आंसर नेल्लोर। ओके, नेल्लोर। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है नेल्लोर ये जो सिटी है कौन सा स्टेट में ये सिटी पड़ता है। 19 नंबर क्वेश्चन, हेपेटाइटिस इज अ डैश डिजीज। ओके, हेपेटाइटिस किस टाइप का डिजीज है? तो राइट आंसर वायरल। ओके, इट्स अ वायरल डिजीज। 20 नंबर क्वेश्चन, सॉलिड वेस्ट ऑफ कोलकाता म्यूनसिपल एरिया डिपोजिटेड एट। ओके, जो कोलकाता म्यूनसिपल एरिया में जो सॉलिड जो वेस्ट जो कलेक्शन होता है जमा किया जाता है किस जगह पे? पर्टिकुलर एक जगह है जिसका नाम है धापा। ओके, धापा। 21 नंबर क्वेश्चन, कन्फाइनमेंट ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। कन्फाइनमेंट ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज डिस्क्राइब्ड एज। तो ये एंडेमिक, यानी कोई भी एक ऐसा स्पीसी जो कि पर्टिकुलर एरिया में फैल जाए तो उसका एंडेमिक बोलते हैं, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे तो इसको पेंडेमिक कहते हैं, जो कि कोरोना के टाइम में हुआ था। नेम है IUCN कैटेगरी 2 नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल में IUCN कैटेगरी 2 में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है गोरुमारा, न्योड़ा वैली एंड सुंदरबन ऑल्सो। ये तीनों IUCN यानी IUCN कैटेगरी 2 में पड़ता है। नेक्स्ट वन इज 23 नंबर क्वेश्चन, फ्री फ्लोटिंग। ओके, फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। ओके, जो पानी के ऊपर जो फ्लोटिंग तैरने वाले जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है प्लांकटन। ओके, अगर प्लांट है तो प्लांकटन, अगर वो छोटे छोटे कीड़े हैं तो उसको जू प्लांकटन कहा जाता है। अच्छा, 24 ये जैसा ऑप्शन मिसिंग है, इसको देख के करेक्ट कर लिया जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, सेल्वा इज ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन। सेल्वा एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिका। द फेमस बुक फॉल ऑफ स्पैरो इज ऑथर्ड बाई, यानी एक बुक है जिसका नाम फॉल ऑफ स्पैरो, उसके ऑथर कौन है, उसके राइटर कौन है? उसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सलीम अली। इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 27 क्वेश्चन, विच वन इज एन एम्फीबियस प्लांट। इन चारों में से कौन एक एम्फीबियस प्लांट है? तो ताइफा। ओके, नेक्स्ट, अराबारी मॉडल ऑफ वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर। अराबारी मॉडल का वेस्ट बंगाल फेमस है किस चीज़ के लिए? तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके, 28 में क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ के एटमोसफेयर में प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? वाटर वेपर, CO यानी कार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑल आर दीज आर द 3। 13 नंबर क्वेश्चन, दुर्गापुर बैरेज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो दुर्गापुर जो बैरेज है ये सिचुएटेड है दामोदर रिवर।
ओके, दामोदर रिवर को बंगाल का सौरव भी कहा जाता है। तो ये था 15 क्वेश्चंस सेट नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 नंबर सेट को करेंगे EVS का। अच्छा, यहाँ पे जो 24 नंबर क्वेश्चन था, एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल सवाना बायोम। ओके, ट्रॉपिकल सवाना बायोम का एग्जांपल क्या है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट WB प्राइमरी टेट एग्जाम्स। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना भूले, और चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और परचेस के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।